अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बिज़नेस लॉ का लास्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आज के दिन में उसी चैप्टर के ऊपर पोर्टल के ऊपर आपके लिए एमसीक्यूज़ का टेस्ट आएगा, जिसको आपने सॉल्व करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बड़ी ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ कि अब इसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज पोर्टल पर रह गए हैं वो तीन ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं। नंबर एक इनकम टैक्स, नंबर दो कॉस्ट, और नंबर तीन टैक्स एडवांस एडवांस अकाउंटिंग। इन तीनों के ऊपर इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अब टेस्ट सेशन होने जा रहे हैं। आप और आपके आसपास जितने बी कॉम के बच्चे हैं वो तमाम लोग उसको ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है जी, एमसीक्यूज टाइप आप टेस्ट देंगे, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस हवाले से आप अपने आप को रेडी करें, नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह ताला आपके पास इनकम टैक्स का टेस्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 है इंडस्ट्रियल लॉ, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास चैप्टर है इंडस्ट्रियल लॉ, इसको हम रीड करते हैं इंशा ताला। उसके बाद फिर ये है हमारे पास इंडस्ट्रियल लॉ का चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 है इंडस्ट्रियल लॉ। जो ज़रूरी क्वेश्चंस होंगे वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी इसका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। लास्ट चैप्टर है ये, इसके ऊपर आज आपके पास एमसीक्यू टेस्ट भी आएगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस? व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन मस्ट कंटेन? ट्रेड यूनियन क्या होती है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस 2000 जी। आप क्वेश्चन कर लें जी। मोहम्मद अली, आई डू आई कम फ्रॉम लाहौर, कैन आई टेक एडमिशन इन PUCIT? ले सकते हैं हम। आपने आई कम किया और BScS करना चाह रहे हैं आप? आइए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या मतलब इस हवाले से आपको करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के, अब मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया है चक्कर लगाए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आप वहाँ से जाके उनका क्राइटेरिया प्रॉस्पेक्टस देखें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़रूर करवाएंगे आपको BScS जी। वकार, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। आप सुनाएं कैसे? अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे ट्रेड यूनियन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 2002 बताता है अ राइट टू वर्कर्स टू एस्टेब्लिश एंड ज्वाइन एन एसोसिएशन, किसी इदारे के अंदर जॉब करने के हवाले से, और यूनियन ऑफ देयर चॉइस विदाउट परमिशन फ्रॉम एनी, किसी अथॉरिटी के बगैर, किसी अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अपनी चॉइस से आप किसी भी यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्गेनाइज देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये खुद अपना आइन बनाते हैं, अपने नुमाइंदे चुनते हैं और इंतजामिया मैनेज करते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते हैं, एंड एक्टिविटीज एंड चेक आउट देयर प्रोग्राम्स। राइट्स रिगार्डिंग यूनियन, वर्कर्स राइट क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 2002, वर्कर शिल हैव द राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन एनी ट्रेड यूनियन ऑफ देयर चॉइस विद इन द एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री दे आर एम्प्लॉयड इन अकॉर्डिंग टू द रूल्स।
ओनली लिमिटेशन इज दैट नो वर्कर विल बी अलाउड टू बी मेंबर ऑफ मोर देन ट्रेड यूनियन एट अ वन टाइम, एक से ज़्यादा यूनियंस के अंदर आप नहीं जा सकते। इफ़ एनी पर्सन ज्वाइंस अनदर यूनियन हिज मेंबरशिप शैल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल फ्रॉम प्रीवियस यूनियन। एम्प्लॉयर का राइट क्या है? सिमिलरली एम्प्लॉयर शैल हैव द राइट टू फॉर्म और ज्वाइन एनी एसोसिएशन ऑफ देयर चॉइस एंड देयर एसोसिएशन शैल हैव द राइट टू ड्राफ्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, इलेक्ट फ्रीली देयर रिप्रेजेंटेटिव और ऑर्गेनाइज देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज एंड फार्मूलेट देयर प्रोग्राम। अच्छा जी, ये राइट्स क्या हैं वर्कर्स के और एम्प्लॉयज़? वर्कर अपनी सतह पे वर्कर्स की यूनियन बना सकते हैं, एम्प्लॉयर अपनी सतह पे तमाम एम्प्लॉयज़ की यूनियन बना सकते हैं और उसके अंदर वो अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं, अपने असूल ज़वाबत बना सकते हैं। कंबाइन राइट्स, दीज ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर्स एंड एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज शिल हैव द राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन फेडरेशंस, कॉन्फेडरेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 2002, ट्रेड यूनियन का मतलब है एनी कम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ फर्दरिंग एंड डिफेंडिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के जो मतलब हकूक हैं उनके तहफ़ के लिए आप ट्रेड यूनियन बनाते हैं। एंड एनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड इंक्लूड एन इंडस्ट्री वाइज फेडरेशन ऑफ टू और मोर इलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट यूनियंस एंड अ फेडरेशन एट द नेशनल लेवल ऑफ 10 और मोर इलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट्स यूनियंस। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का तरीकाकार क्या है? ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। एप्लीकेशन आप दे सकते हैं इस प्रेजिडेंट, ट्रेड यूनियन मे अंडर द सिग्नेचर ऑफ इट्स प्रेजिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी अकॉम्पनीड बाय स्टेटमेंट शोइंग नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, डेट ऑफ फॉर्मेशन, टाइटल, नेम, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, स्टेटमेंट ऑफ टोटल पेड मेंबरशिप, नेम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन मेंबर ऑफ मेंबर ट्रेड यूनियन, सारा कुछ लिखो, आप डिटेल देंगे उनको। कॉपीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, अब जो आपने आईन बनाया उसकी आप कॉपीज देंगे। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, आप जो करारदाद पास की इसको बनाने के लिए उसकी कॉपी देंगे उनको। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? नाम एंड एड्रेस, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स, एग्जेक्टिव्स क्या हैं, कंडीशन अंडर विच अ मेंबर शैल एंटाइटल टू बेनिफिट, मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन शैल अमेंडेड से कस्टडी, इस तरह तमाम के तमाम आपने रीड कर लेने हैं। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्सेप्ट बस देने जा रहा हूँ मैं आपको। फिर आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, फिर आपने मेंटेन करने हैं अपना रजिस्टर्स, उसको गए बगैर चेक भी करवाते रहना है। कैंसिलेशन, अगर आप इसके खिलाफ वॉयलेशन करते हैं कोई भी IRO की प्रोविजंस की वॉयलेशन या अपने आइन की वॉयलेशन या किसी भी कानून की वॉयलेशन करते, आपकी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। अपील कर सकते हैं आप अपने रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के खिलाफ। एनलिस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, अनफेयर का मतलब है नामुनासिब लेबर प्रैक्टिस का मतलब है लेबर लॉ वॉयलेशन कमिटेड बाय आइदर एन एम्प्लॉयर और अ यूनियन, एक वर्कर करता है या एक यूनियन करती है। कॉमन एम्प्लॉयर वॉयलेशन इंक्लूड मेकिंग चेंजेस इन द वर्क प्लेस विदाउट गोइंग थ्रू द यूनियन एंड इंटरफेरिंग विद एम्प्लॉयज राइट टू द एंगेज इन यूनियन सोसाइटी एक्टिविटी। An act or omission on the part of either the union or management which violates a regulation set forth by the state. Unfair labor practice of employees. Impose any condition. Impose any condition is a contract of employment restraining the right. एक agreement होता है, एक contract होता है कि right restraining the right to join किसी trade unions को join करने का contract, ना join करने का contract. Refuse to employ or continue to employ a person who is not member of officer. Discrimination against any person regarding employment, promotion, condition. Dismissal,
डिस्चार्ज और रिमूवल आपने उसको कैंसिल, मतलब अगर कोई बंदा आपके एग्रीमेंट के बावजूद ज्वाइन करता है किसी मेंबरशिप को, तो आप उसको रिमूवल कर सकते हैं। इंड्यूस टू रिफ्रेन, इंड्यूस एनी पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम बिकमिंग और सीजिंग टू बी अ मेंबर ऑफ ऑफिस बेयरर और ट्रेड यूनियन। कंपेल और अटेम्प्ट टू कंपेल, मजबूर करना या उसको कोशिश करना कि वो मजबूर करें उसको मतलब किसी ना ज्वाइन करें। कंपेल टू अटेम्प्ट टू कंपेल टू एनी ऑफिसर बेयरर ऑफ सी बी और अराइव एट द सेटलमेंट बाई यूजिंग इंटीमिडेशन, कोरेशन, प्रेशर, थ्रेट, कन्फीनमेंट, फिजिकल इंजरी, इंटरफेयर और इन्फ्लुएंस एट बैलोटिंग, बेल्ट करते हुए, बेल्टिंग करते हुए कोई वोट डालते हुए आपने उसको करना है। रिक्रूटिंग रिक्रूटिंग ड्यूरिंग लीगल स्ट्राइक, आपने कोई कानूनी स्ट्राइक करा है तो उसको आपने रोकना है। क्लोजिंग द होल एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टिगेट एंड इंसाइट अंडर्स द अदर्स, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑफ वर्कमैन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 द फॉलोइंग एक्शन ऑफ वर्कमैन, यानी कि ये जो ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं एम्प्लॉयर की, ये अगर एम्प्लॉयर ये काम करता है तो ये अनफेयर है, उसे नहीं करना चाहिए। इस तरह ये वर्कमैन के अनफेयर लेबर प्रैक्टिस उसे नहीं करना। प्रिस्यूट्स टू ज्वाइन और रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग, इंटीमिडेट एनी पर्सन, इंड्यूस बाय इंटीमिडेशन, कंपेल टू अटेम्प्ट टू कंपेल, सारे वही पॉइंट हैं सारे के सारे, वो नहीं कर सकता। पेनल्टी क्या है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की, एम्प्लॉयर के लिए 30,000 रुपीज़ की और एम्प्लॉय के लिए 20,000 रुपीज़। डिफाइन कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, डिस्कस अपॉइंटमेंट एंड राइट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दें इसको। हाउ आर लेबर कोर्ट इज कंसिडर, ये कैसे बनती है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस एंड पार्ट्स, कोई इतना इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन अहम है। हाउ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन इज कंसिडर, IRC इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कब तमीर हुआ, कैसे तमीर हुआ नेशनल, और व्हाट आर इट्स फंक्शन पार्ट। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री देयर इज अ नीड फॉर द हेल्दी एंड congenial relation between the trade unions and industrialists, however sometime there may be dispute between them. In order to solve this issue, government of Pakistan has established a semi-judicial body which is called National Industrial Relations Commission. Contributing constitution authority kya hai, according to section 49 of the Industrial Relation Code 2002, federal government shall constitute a National Industrial Relations Commission consisting of not more than 8 members, including the chairman. Chairman and the member are appointed by the federal government. Qualification and the term condition of services for appointment as chairman and member of the commission shall be determined by the federal government. Function and powers kya hai, to adjudicate and determine the industrial dispute ko hal karna, register the trade union, tay karna collective bargaining agents, try offences, deal cases of unfair practice ke case ko deal karna, एडवाइस करना गवर्नमेंट को, प्रमोट करना हेल्दी ट्रेड यूनियंस को, और फॉर्मेशन बनाना, फेडरेशंस को बनाना, एक्सरसाइज करना दूसरी अदर पावर्स को, टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन ट्रायल और प्रोसीडिंग को आपने इनिशिएट करना है, पहल करनी है, पनिश करना है गलत बंदे को, डेलीगेट अथॉरिटी टू मेंबर और चेयरमैन को, डेलीगेट करने ओहदा अथॉरिटी डेलीगेट करना। अच्छा जी, सिक्स क्वेश्चन भी छोड़ दें, आगे आ जाएं, सेवन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे देख लेते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अडल्ट चाय वर्कर्स, तीन क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा निकले हैं। व्हाट आर द रूल्स एंड रिगार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। बेसिकली लॉ के अंदर पहला चैप्टर, पहले दो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो बहरहाल हम इसका एक एक छोटा सा हल्का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें है क्या।
सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास के व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज 1934 रिलेशन टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स की हेल्थ के हवाले से जो फैक्ट्रीज का एक्ट 1934 है उसकी प्रोविजंस क्या हैं। तो ये क्लीन लाइंस मतलब सफाई होनी चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वाटर एंड इन्फ्लुएंट पानी की जो डिस्पोजल का है वो प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर का इंतजाम बेहतर होना चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए आपके पास, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का आपने इंतज़ाम करना है, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पीने का पानी अवेलेबल होना चाहिए, लैट्रिन और यूरिनल्स ये जो आपके वॉशरूम्स होते हैं ये प्रॉपर हों, स्पिटोन्स सफिशेंट नंबर ऑफ स्पिटोन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द कन्वीनियंट प्लेस एंड शुड बी मेंटेन क्लीन एंड हाइजेनिक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्रिकॉशन अगेंस्ट कॉन्टेजेनियस और इन्फेक्शन डिजीज, इसके खिलाफ आपके पास एहतियाती तदाबीर के लिए सामान होना चाहिए, वैक्सीनेशन और इंसोलेशन के लिए भी आपके पास प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। कुछ नंबर सेवन है डिफरेंट प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज 1934 रिगार्डिंग सेफ्टी एंड वेलफेयर, जनाब आपने प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर आग के खिलाफ जो अपनी एहतियाती तदाबीर करनी है, फेंसिंग एंड मशीनरी, मशीनरी की सफाई बहुत अच्छे तरीके से, ऑल डेंजरस टाइप्स ऑफ मशीन शैल बी फेंसेस, उनको इतना सेफ्टी कवर रखना ताकि डेंजरस नुकसान ना पहुँचाएँ, मशीनरी इज़ अ मोशन, मशीनरी मोशन आपने उसकी जो मोशन है उनकी ट्रेन करना है लोगों को कि ये किस तरह चलती है, इसके किस किस साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑन डेंजरस मशीन के ऊपर आपने एम्प्लॉयमेंट करने के लिए अच्छा मुआवजा देना है और उन्हें ट्रेन भी करना है, कटिंग ऑफ पार दैट शैल बी सूटेबल स्टिंकिंग गियर और अदर मैकेनिकल एप्लीकेशन को आपने प्रॉपर रखना है, सेल्फ एक्टिंग मशीन को उन्हें बताना है कि आपने ज़ाती तौर पर जब मशीन में प्रॉब्लम आती है कैसे सॉल्व करना है, केसिंग ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन दी है तो उसे समझाना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कॉटन ओपनर्स, नो वुमेन आर चाइल्ड इज़ अलाउड टू, कोई बच्चों को नहीं आपने वहाँ पे मतलब अपॉइंट करना फैक्ट्री के अंदर, क्रेन्स एंड लिफ्टिंग मशीनरी के बारे में पूरा गाइड करना है, हॉस्ट एंड लिफ्ट्स, रिवॉल्विंग मशीनरी, प्रेशर प्लांट्स, इस तमाम के तमाम चीज़ों के ऊपर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं, वेलफेयर वर्कर्स की वेलफेयर के लिए क्या करना है आपने, कैंटीन का अच्छा इंतजाम रखना है, वे ऑफिसर्स की वेलफेयर के लिए आपने प्रॉपर इंतजाम करना है, शेल्टर फॉर रेस्ट अपने घर देने हैं उनको, ठीक है जी, उसके बाद फर्स्ट एड की आपने अप्लाइंस देनी है मतलब उन्हें सहूलत देनी है, इसमें प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री रिगार्डिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट चाइल्ड वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स, हॉलीडे वर्किंग आवर्स और हॉलीडेज विद पे, वर्किंग आवर्स अडल्ट वर्कर्स डेली आवर्स पे रखें, वीकली आवर्स, डबल एम्प्लॉयमेंट, ओवर टाइम भी दें उनको, चाइल्ड के लिए क्या है वर्किंग आवर्स उनके कम होने चाहिए 5 घंटे कम से कम, इनके वर्किंग आवर्स जो है वो इन्होंने रखे हैं जी 9 आवर्स, इनके 5 आवर्स, फिटनेस सर्टिफिकेट पहले ले लें उनसे, रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड वर्कर्स के बाद क्या था प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करें, अदर रिस्ट्रिक्शन चाइल्ड वर्कर्स एंड अडोलसेंट वर्कर आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म डबल ड्यूटी, इनसे डबल ड्यूटी नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी, तो वुमेन के लिए क्या है इनका मशीनरी इन मोशन, वुमेन शैल नॉट बी अलाउड टू क्लीन लुब्रिकेट एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ मशीनरी को साफ़ करने के लिए आपने उसको उनको नहीं लगाना, कॉटन ओपनर्स वुमेन शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ऑफ प्रेसिंग कॉटन एंड विच इज़ अ कॉटन ओपनर एंड वर्क, सूटेबल रूम होना चाहिए उनके लिए, वर्किंग आवर्स उनके जनाब 9 आवर्स हैं, वर्किंग टाइम 6 AM to 7 PM बस, उस नाइट में रख सकते हैं आप उसको, हॉलीडे के अंदर क्या करना है आपने, एवरी वर्कर शैल बी एंटाइटल्ड अ कैजुअल लीव विद फुल पे फॉर 14 consecutive days इन अ ईयर, साल के अंदर 14 लगातार दिन आप उसको अलहदा से एनुअल छुट्टियाँ देनी है आपने, कैजुअल लीव एवरी वर्कर शैल बी एंटाइटल्ड टू कैजुअल लीव विद फुल पे फॉर 10 days इन अ ईयर, 10 casual leave देनी है आपने, 10 और 14 24 छुट्टियाँ आपने देनी है संडे के अलावा, सिक लीव एवरी वर्कर हर बंदे को 16 days सिक लीव देनी है आपने हाफ एवरेज आधी तनख्वाह पे, और फेस्टिवल हॉलीडेज जो हैं वो तो ऑलरेडी आपने देनी देनी है। What are the rules with regard to responsibility for the payment of wages? Or write any essay on payment of wages? Wages मजदूरी होती है, wages के ऊपर एक पूरा मतलब लिखा हुआ है कि आपने उस हवाले से उनको प्रॉपर मैंने responsibility of wages factories के अंदर क्या है, industrial establishment के अंदर क्या है, railway में, अच्छा जी आगे explain the deduction for fines and absence of duty on the payment of wages. Wages Act 1936 के अंदर आपने फाइंस और उनकी छुट्टियों अबसेंस गैर हाजिरी के उन्हें क्या जो माना कर सकते हैं,
ये रूल्स लिखे हुए हैं। आफ्टर द 11th क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अवेलेबल। ये बहुत ज़रूरी है। इंश्योर्ड पर्सन, सिक्योर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 225 सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, सिक्योर्ड पर्सन मीन अ पर्सन इन रेस्पेक्ट टू होम कंट्रीब्यूशन आर पेएबल अंडर सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने हैं आपने उनको जनाब, सिकनेस बेनिफिट्स, मेटर्निटी बेनिफिट ये औरतों के लिए होते हैं, डेथ ग्रांट देनी है, इद्दत बेनिफिट्स अगर कोई लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको फिर आपने वो उतने दिन जितना इस्लाम या इस्लाम कहता है उसको वो अंदर रहेगी घर रहेगी। मेडिकल केयर देनी है उनको, मेडिकल केयर ऑफ डिपेंडेंट उसके जो बच्चे हैं उनको भी देनी है आपने। इंजरी बेनिफिट देने हैं आपने अगर कोई जख्मी हो जाता है तो, 60% डेली रेट ऑफ वेजेस। डिसेबलमेंट को बता, डिसेबल हो जाता है उसको भी आपने मुआवजा देना है, डिसेबलमेंट ग्रेजुटी देनी है, सर्वाइवर्स पेंशन देनी है। ये थे वर्कर्स का इन द सनत के अंदर, सनतों के अंदर अगर आपने किसी को अपॉइंट करना है तो उसका क्या तरीका कर रहे हैं। ये बिज़नेस लॉ का हमारे पास लास्ट टॉपिक था जिसके ऊपर आज का इंशाल्लाह आपके पास आएगा MCQs पेपर, उसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हम बड़ा ही अहम और बड़े अच्छे लेवल पर इंशाल्लाह बड़े लेवल पर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स को, उसके लिए प्रिपरेशन करें इंशाल्लाह बहुत।